हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिट वर्ल्ड। आज की कहानी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन ऊटी के बारे में है। ये कहानी है ऊटी के एक मशहूर होटल फर्न हिल के बारे में। गर्मियों के मौसम में ऊटी का मजा उठाने के लिए मशहूर के महाराजा ने 1844 में इस पैलेस को बनवाया था। बाद में 1860 में ब्रिटिश राज के दौरान कुछ समय के लिए ये पैलेस ब्रिटिश कंट्री क्लब को सेवित किया गया था और इसका नाम बदल के रखा गया था मुनसामी। फिर 1873 में पहला इंडियन चमराजेंद्र वारियर एक्स ने अंग्रेजों के हाथों से इसे खरीदा था। ब्रिटिश राज के दौरान ये पैलेस अंग्रेजों का हॉलीडे स्पॉट हुआ करता था। आज़ादी के बाद भारत के सभी हिस्सों के लिए ये पैलेस हॉलीडे स्पॉट, हनीमून स्पॉट और फिल्म मेकर्स के लिए शूटिंग स्पॉट बन गया था। इस पैलेस की सौंदर्यता सभी को आकर्षित करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक सुंदर जगह के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है। कहा जाता है कई लोगों ने इस होटल में कुछ अजीब सा महसूस किया है। इस होटल में कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का दावा किया जाता है। लेकिन ये होटल चर्चा में तब आया जब बॉलीवुड की जाने माने फिल्म रास का यहाँ शूटिंग चल रहा था। शूटिंग के दौरान सरोज खान और उसकी पूरी टीम एक रात के लिए उस होटल में रुके थे। आधी रात को फर्स्ट फ्लोर से फर्नीचर हटाने की आवाज़ें जोर जोर से आने लगी। रात भर ये आवाज़ चलता रहा। परेशान होकर उन लोगों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इसी वजह से पूरा क्रू रात भर नहीं सो पाए। फिर अगली सुबह जब ये बात रिसेप्शनिस्ट को बताया गया, उसने कहा इस होटल में कोई फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं। ये सुन के सभी लोग डर के मारे सहम गए। उसके बाद शूटिंग चलने के वक्त किसी लड़की की गाना गाते हुए आवाज़ रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कोई भी लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। फिर रात भर अजीब अजीब तरह की चीखने की आवाज़ें आने लगे। बात इतना बढ़ गया था कि कुछ समय के लिए इस होटल को बंद करना पड़ा। कहा जाता है किसी लड़की ने वहाँ पर सुसाइड कमिट किया था और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर रह रही है। तो ये था इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड में से एक ऊटी की फर्न हिल होटल की असली कहानी। क्या आप जाना चाहेंगे ऊटी के इस फर्न हिल होटल में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी और भी सच्ची कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।